सो दोस्तों, पीएम किसान का 16वीं किस्त फाइनली सभी किसान भाइयों को भेज दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे कि पीएम किसान का 16वीं किस्त आपको मिलेगा या नहीं, पीएम किसान का 16th इंस्टॉलमेंट आपको ट्रांसफर किया गया है या नहीं, इसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे, उसका प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट बताया है। इस वीडियो मैंने आपको बिना ओटीपी के बताया है कैसे आप अपने पेमेंट का स्टेटस चेक करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PFMS के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीएम किसान का जो पैसा होता है वो DBT के माध्यम से भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने DBT के स्टेटस को चेक करना है। यहाँ पर आपको ट्रैक DBT डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप कैटेगरी में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे योजनाओं का नाम दिख रहा होगा, आप चाहें तो इन सभी योजनाओं का DBT स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हमें पीएम किसान का DBT स्टेटस चेक करना है तो आपको सबसे ऊपर आना है। सेकेंड ऑप्शन में आपको पीएम किसान का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर DBT स्टेटस में आपको दो ऑप्शन दिखेगा, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। तो हमें पेमेंट का स्टेटस चेक करना है तो हम पेमेंट को चेक करेंगे। आप चाहें तो अपने DBT स्टेटस को अपने बेनिफिशियरी कोड या एप्लीकेशन ID से चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर किसान के पास बेनिफिशियरी कोड नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन ID देना है। आपका एप्लीकेशन ID आपके पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन ID ही होता है। तो अगर आपको आपके पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन आईडी पता नहीं है तो आप इसे आसानी से पीएम किसान के पोर्टल से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीएम किसान के इस पोर्टल पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नो योर स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर से या अपने आधार कार्ड नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर इस कैप्चा कोड को देकर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करते ही आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देंगे, फिर नीचे यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पीएम किसान के सभी इंस्टॉलमेंट का स्टेटस दिख जाएगा, कौन सा इंस्टॉलमेंट आपको मिल चुका है और कौन सा इंस्टॉलमेंट अभी आपको मिलने वाला है, ये सारा स्टेटस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस किसान भाई को पीएम किसान का 15वां इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, फंड स्टेटस अप्रूव बाय एजेंसी आ रहा है और यहाँ पर वैलिडेशन स्टेज में वैलिडेटेड का स्टेटस आ रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किसान भाई को इंस्टॉलमेंट 16 भी मिलने वाला है, यानी कि 16 इंस्टॉलमेंट भी इन्हें मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं फंड स्टेटस यहाँ पर अप्रूव्ड है और यहाँ पर ये 2000 का पैसा बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फाइल स्टेटस में बैंक रिसीव का आ रहा है, यानी कि ये पैसा बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और आज के दिन इस पीएम किसान के बेनिफिशियरी को 16वां इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ईरर डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक करना है। अगर यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में आपको ईरर डिस्क्रिप्शन में कुछ ईरर लिखा हुआ दिखता है तो इस ईरर के कारण आपका 16वां इंस्टॉलमेंट नहीं भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर दूसरे किसान भाई का पीएम किसान का पेमेंट स्टेटस निकाला है। यहाँ पर आप ईरर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि एक ईरर कोड लिखा है और यहाँ पर एक ईरर डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, UID does not belong to beneficiary, UID from beneficiary file। देखिए यहाँ पर इस ईरर डिस्क्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि इस किसान भाई ने अपने आधार कार्ड के नाम या डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या चेंज करवाया होगा, जिस वजह से इनके पीएम किसान के अकाउंट में इस तरह का ईरर कोड आ गया है, इस तरह का ईरर डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो इस पीएम किसान के बेनिफिशियरी को तब तक पीएम किसान का पेमेंट नहीं मिल पाएगा जब तक ये अपने इस ईरर डिस्क्रिप्शन को सॉल्व नहीं कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वैलिडेशन स्टेज में रिजेक्टेड का है, यानी कि अभी तक इसने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा है, इसलिए अगला इंस्टॉलमेंट जो 2000 का है इन्हें नहीं मिल पाएगा। देखिए पेमेंट स्टेटस चेक करने के साथ साथ आपको अपने पीएम किसान के अकाउंट स्टेटस को भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पीएम किसान के अकाउंट स्टेटस में स्टेटस नो का होगा तो उस केस में भी आपको पीएम किसान का 16वीं किस्त या आगे का इंस्टॉलमेंट नहीं मिल सकता है। तो अपने पीएम किसान के अकाउंट स्टेटस को चेक करने के लिए आपको पीएम किसान के ऑफिशियल साइट पे जाना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहां पर आपको नो योर स्टेटस का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP सबमिट करते ही आपके सामने पीएम किसान का अकाउंट स्टेटस आ जाएगा। यहां पर आपको ये मेक श्योर करना है कि वहां पर ई KYC का स्टेटस यस होना चाहिए,
लैंड सीडिंग का स्टेटस यस होना चाहिए और आधार सीडिंग का स्टेटस भी यस होना चाहिए, तभी आपको 16वीं किस्त या आगे का इंस्टॉलमेंट मिल पाएगा। सो अगर यहाँ पर आधार ई के वाई सी स्टेटस में नो का स्टेटस आता है तो आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल से आधार ओटीपी से या बिना आधार ओटीपी से अपना केवाईसी तुरंत कर सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि पीएम किसान में ई केवाईसी कैसे करते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, या आपको आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।